इट्स विजिबल। हाँ जी मैम, विजिबल है, विजिबल है। गुड आफ्टरनून एवरी वन। टुडे आई एम स्टार्टिंग दी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव डन एवरी ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ द गारमेंट इंडस्ट्री। वी हैव कम टू नो हाउ एक्चुअली द गारमेंट इज बीइंग मेड, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, एंड व्हाट ऑल इज नीडेड टू गेट अ क्वालिटी प्रोडक्ट। ये सब हमने बात कर ली। द लास्ट एंड वन ऑफ दी बट नॉट द लीस्ट आई वुड से इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेक्सटाइल एंड अपैरल प्रोडक्ट लेबलिंग, कि हम उस प्रोडक्ट की लेबलिंग कैसे करते हैं, हाउ द प्रोसेस, व्हाट द यूजेस, इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई इट इज लेबल्ड, क्या नीड है। सो आई वुड बी डिस्कसिंग दैट, और किस किस मेथड से, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिसको अपनाया जाता है लेबलिंग में, एंड लेबलिंग हम ऑब्वियसली फॉर दी ब्रांड्स दे दैट आर नेसेसरी, बट व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर पार्ट व्हाई इट इज नेसेसरी। सो आई वुड बी डिस्कसिंग ऑल दैट स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड। You all know the textiles and apparels are soiled during the normal use. From the economic viewpoint, these items must be cleaned and refurbished for the reuse. अगर हम करते हैं डर्ट जो हमारे एनवायरमेंट में है, तो उससे क्या होता है कि हमारे टेक्सटाइल्स हैं या अपैरल्स हैं वो गंदे हो जाते हैं नॉर्मल यूज में। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि हम पहने वी आर बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ री यूजिंग। वी हम अब जो एनवायरमेंट की नीड है कीप इन माइंड री यूजिंग। सो री यूज के लिए केयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। कस्टमर्स शुड गाइडेड विद द वेरियस बेसिक नॉलेज ऑफ द वेरियस प्रोसेसिंग कंडीशन फॉर केयर ऑफ अपैरल्स। अब जब कस्टमर्स को पता ही उनको इन्फॉर्म किस वे में किया जाता है, दिस द मेथड, दिस वे इन विच द कस्टमर्स कैन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट लेबल्स और उस प्रोडक्ट को कैसे केयर टेक केयर करना है, उस प्रोडक्ट की देखरेख कैसे करनी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपैरल इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल केयर इंडस्ट्री। तो एक अपैरल इंडस्ट्री भी है और एक टेक्सटाइल केयर इंडस्ट्री भी है। कमिंग टू दी अकॉर्डिंग टू फेडरल ट्रेड कमीशन रूल 16 CFA 423, दिस इज द फेडरल ट्रेड कमीशन है जिसने सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ केयर लेबल्स के बारे में हमें बताया। उन्होंने बोला कि आप गारमेंट बेच रहे हो, जो भी आप गारमेंट सेल आउट कर रहे हो, अपैरल बना रहे हो, उसमें एक परमानेंट केयर होगी, सो दैट जो वियरर है उसको पता चले कि हाउ टू टेक केयर, रेगुलर उसकी केयर कैसे करी जा सके। द पर्पस ऑफ दिस रूल इज टू गिव द कंज्यूमर्स एक्यूरेट केयर इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट केयर इंफॉर्मेशन क्या होगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट है उसको एक्सटेंड कर पाओगे टू एक्सटेंड द यूजफुल अपैरल और आई वेयरिंग अपैरल्स यूज्ड टू कवर और प्रोटेक्ट बॉडी एंड ऑल पीस गुड होम्स यून अपैरल्स अंडर दिस। अपार्ट फ्रॉम शूज, बेल्ट, हैट्स, नेकटाइज, इनको छोड़ के बाकी सब कुछ कवर होता है इसके अंदर। अब केयर लेबल शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज गारंटी ऑफ क्वालिटी मार्क। अब कई बार क्या होता है, वी पीपल मिक्स कि केयर लेबल जो दिया है वो क्वालिटी का इंडेक्स है। वी शुड नॉट मिक्स दैट। क्वालिटी इज डिफरेंट एस्पेक्ट एंड केयर लेबल इज डिफरेंट। मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ apparel and piece goods and any organization that control manufacturing or import of textile wearing apparel for making wear, तो जो जो हम textiles को पहनते हैं या जो home furnishing के लिए use होता है वो इस act के अंदर cover होता है। According to ASTM, this is the standard. मैंने आपको standards करवाए थे, so this is standard. इस standard के according है। A care label is a label or other affixed instructions that the product should be refurbished. उसको री कर सकते हैं, उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं,
ये ASTM के अकॉर्डिंगली है। अगर FTC की मैं बात करूं, फेडरल ट्रेड कमीशन की मैं बात करूं, वो क्या लेबल को डिफाइन करता है एज अ परमानेंट लेबल और अ टैग, एज अ परमानेंट लेबल और अ टैग कंटेनिंग रेगुलर केयर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन दैट इज अटैच्ड और अफिक्स्ड इन सम मैनर दैट वुड और आपके गारमेंट स्ट्रेट आउट ना हो जाए ड्यूरिंग रीयूज या वो लेबल टूट के अलग ना हो जाए, दैट शुड बी स्यून्ड। नेक्स्ट इज अब डिफरेंट प्रोसेस जो केयर लेबलिंग में कवर होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज लॉन्ड्रिंग इन एंड। अब लॉन्ड्रिंग क्या है, किसको लॉन्ड्रिंग by washing with an aqueous detergent solution. Mostly हम जब घर में wash करते हैं we use detergent, उसी process को हम laundry करते हैं, जिसमें which is followed by rinsing, extracting and drying. ठीक है, next है chlorine bleach. अगर मैं chlorine bleach की बात करूँ तो process क्या है, a process carried in an aqueous medium before, during or after washing, requiring the use of chlorine based bleaching agent for the purpose of removing. कई stains ऐसे होते हैं जो detergent से remove नहीं होते, तो उनको bleaches से remove करना पड़ता है, उस process को हम बोलते हैं chlorine bleach. Then is non-chlorine bleach. कई आपके fabric ऐसे होते हैं वो उस fiber से बनते हैं जो chlorine की presence में आते हैं, तो उन फैब्रिक्स के लिए वी यूज अ नॉन क्लोरीन ब्लीच, नॉट रिलीज हाइपोक्लोराइट आयन इन द सॉल्यूशन। क्लोरीन ब्लीच में एक डिसएडवांटेज है, जब वो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइपोक्लोराइट आयन रिलीज कर देता है, जिससे आपका अदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्राई क्लीनिंग। ये सारी मैं बातें उन प्रोसेसेस की कर रही हूँ केयर लेबल्स के अंडर कवर्ड है। ड्राई क्लीनिंग अ प्रोसेस फॉर क्लीनिंग टेक्सटाइल सॉल्वेंट्स, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की हेल्प से हम क्लीन करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में आपका आ गया पेट्रोलियम, परक्लोरोइथाइलीन, फ्लोरोकार्बन, उस प्रोसेस को हम ड्राई क्लीनिंग, जहाँ पे आपका डिटर्जेंट का यूज नहीं होता, ओनली द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर बीइंग यूज्ड, द प्रोसेस कैरीड आउट ऑन अ टेक्सटाइल आर्टिकल वॉशिंग। वॉशिंग के बाद जो आप ड्राइंग है विद द इंटेंशन ऑफ रिमूविंग रेजिडुअल वाटर बाय ट्रीटमेंट विद हॉट एयर इन अ रोटेटिंग ड्रम, आपके रोटेटिंग ड्रम में हॉट एयर पास करते हैं, उससे टंबल ड्राइंग करी जाती है। नाउ फर्दर ironing and the method of pressing using a heated hand and something together with moisture or steam or gliding motion. Gliding is movable. Okay. Next is the process of smoothening and shaping by heat press, heat and pressure with or without the presence. Steam present भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. Apart from above processes, अभी तो हमने बात करी, ये सारे processes थे क्या क्या, वो ब्लीच, देन क्रम्बल ड्राइंग, देन योर प्रेसिंग। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज ये भी हैं जो मेंशन होती है केयर लेबल पे। फर्स्ट कमिंग टू डिटर्जेंट, जिसकी हमने बात करी वॉशिंग के लिए। डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट एक क्लीनिंग एजेंट है विच कंटेन्स वन और मोर सर्फेक्टेंट्स एज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट। उसमें सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपके फैब्रिक पे सॉइल या डस्ट जो चिपकी होती है उसको रिमूव आउट कर देते हैं। अब सोप वी यूजुअली यूज फॉर क्लीनिंग, तो सोप क्या है, क्लीनिंग यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स फैटी एसिड के इसमें होंगे जो क्लीन करने के काम आएगा, उसको हम सोप बोलते हैं। जाता है ब्लीच की हेल्प से, ब्राइटनिंग एंड एडिंग द रिमूवल ऑफ सॉइल, आपके कपड़े को वाइटिशनेस देती है और आपके जो फैब्रिक पे सॉइल डर्ट लगा होता है उसको रिमूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, दोनों क्लोरीन एंड नॉन क्लोरीन प्रोडक्ट्स का यूज कर। आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर नाउ,
आई एम गेटिंग दी फ्यू मैसेजेस नाउ. आई थिंक इट्स क्लियर. क्लीनिंग एजेंट, अब क्लीनिंग एजेंट की मैं बात करूं, क्लीनिंग एजेंट वो केमिकल्स हैं जिसमें जो आपके सेवरल कंपाउंड्स विच लूजेस डिस्पर्स डिसॉल्व्स इमल्सिफाई सॉइल, आपके जो डर्ट है, जो गंदा आपके कपड़ों पे चिपका है उसको रिमूव कर देता है बाय मैकेनिकल एक्शन, उनको हम बोलते हैं क्लीनिंग एजेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज कस्टमर्स केयर. ये भी मेंशन होता है आपके क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर एज कस्टम टेकन बाय अल्टीमेट यूजर. यूजर है वो उसकी केयर, उसकी मेंटेनेंस कैसे करेगा, दैट इज टर्म्ड एज अ कस्टमर केयर. व्हेन इट कम्स टू बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल केयर है जो स्किल्ड लेबर है जो वर्ड है. सो हाउ विल या आप किसी ड्राई क्लीनर, हाउ ही शुड टेक केयर, ही शुड मेंटेन योर फैब्रिक्स, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल केयर. नेक्स्ट इज refurbish to brighten or refresh up or restore to wearability and use by cleaning such as dry cleaning, laundering. आपके जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं usually the silk fabrics, आप उनकी dry cleaning हो गए जो आप winters में डालते हैं, usually you send that from dry cleaning, तो उनको brighten up, उनकी जो properties हैं उनको restore के लिए जो term use की जाती है refurbish हम उसको बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्टेन रिमूवल. क्लीनिंग प्रोसीजर फॉर लोकलाइज्ड एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर आपने स्टेन को रिमूव करना है बाय हेल्प ऑफ क्लीनिंग एजेंट और आप मैकेनिकली आप रब कर रहे हैं उसको, दैट इज अ मैकेनिकल एक्शन, तो वो उससे उस पर्टिकुलर एरिया को मूव आउट कर देता है, उसको हम बोलते हैं स्टेन रिमूवल. नेक्स्ट इज रिलेटेड Equilibrium with solvent and small water. आपको पता है हमारे मॉइस्चर में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का मॉइस्चर, एनवायरमेंट में पर्टिकुलर अमाउंट का मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड RF. और आप ड्राई क्लीनिंग किस एनवायरमेंट में कर रहे हैं उसको humidity. अब रिक्वायरमेंट ऑफ केयर लेबल्स, केयर लेबल्स की क्या रिक्वायरमेंट है. वेरियस केयर लेबल सिस्टम्स आर फॉलोड वर्ल्ड वाइड, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है जिनको फॉलो किया जाता है ऑल ओवर. द केयर लेबल शुड नॉट बी विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, इट शुड नॉट बी इनकन्वीनियंट टू वियरर. मतलब अगर आपका ऐसा केयर लेबल का जो स्टफ है वो कि उसको पहनने में वो प्रॉब्लम डिसकम्फर्ट सा क्रिएट करे, इट शुड बी इजिली विजिबल एंड शुड नॉट बी हिडन विच वुड अदरवाइज लीड टू डिफिकल्टीज. लेबल वहां पे होना चाहिए जहाँ पे इजिली विजिबल हो, फर्स्ट लुक में आपका. सिंबल्स एंड लेटर्स ऑन द लेबल शुड बी लेजिबल थ्रू लाइफ ऑफ गारमेंट. कई बार ऐसा होता है कि आप उसको वॉश करते हैं तो केयर लेबल्स जो लेटर्स वो वैनिश आउट हो जाते हैं, तो वो ऐसी इंक या ऐसी प्रिंट सो दैट दे शुड रिमेन लेजिबल. द लेबल्स फॉर पर्टिकुलर शुड बी पोजिशन एट वन प्लेस इन ऑल पीसेस. अगर आप पर्टिकुलर को फॉलो कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर प्लेस पे ही होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर को पता होगा मैंने इस प्रोडक्ट लिया है इसके लेबलिंग यहाँ होती है, सो ही वुड और ही और शी वुड बी रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर कॉर्नर. इफ नॉट रेडिली सीन ड्यू टू पैकेजिंग, केयर इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिपीटेड ऑन आउटसाइड ऑफ पैकेज. अगर केयर जो इन्फॉर्मेशन है वो पैकेज के बाहर भी होनी चाहिए या हैंग टैग के रूप में उसको आप अटैच कर सकते हो. ऑल द सिंबल्स यूज्ड इन केयर लेबलिंग सिस्टम शुड बी प्लेस्ड डायरेक्टली और ऑन अ लेबल व्हिच कैन बी अफिक्स्ड इन अ परमानेंट मैनर. परमानेंट होना चाहिए. केयर लेबल शुड बी मेड अप ऑफ सूटेबल मटेरियल और विद नॉर्म्स को यूज करके केयर लेबल बनना चाहिए. Labels and symbols should be large enough so that they are easily visible and readable. ठीक है. Next है ऐसे symbols आपने use करने customer की understanding knowledge में हो. The care instruction systems are applicable to whole garment including trimmings पे भी आप use कर सकते हो, zipper,
otherwise mentioned by Samuel, the care label system selected should be should give instructions for more severe process. उसका ये मतलब नहीं है आप उसको ठंडे पानी में नहीं हो आप उस गारमेंट पे दे सकते हो वो मेंशन होनी चाहिए उस पे. नाउ मैं बात कर रही थी डिफरेंट एजेंसीज हैं जी. At present, there is no universal symbol system. The ASTM systems are accepted by NAFTA countries. NAFTA countries आपकी आगे North American Trade Agreement ने करा है. Mostly इसमें आपका आ गया Mexico, Canada and US. And ISO genetic symbols are accepted by Europe and Asia. हमारे इंडिया में ये follow होता है. ASTM and Japan has its own symbol system. Symbols के बीच में सो डिफरेंट केयर लेबलिंग सिस्टम्स जो यूज होते हैं दे आर इंटरनेशनल केयर लेबलिंग सिस्टम जेनेटिक्स भी बोला जाता है. ESTM केयर लेबल सिस्टम ब्रिटिश केयर लेबलिंग सिस्टम लेबलिंग सिस्टम कैनेडियन केयर लेबलिंग सिस्टम एंड इंडियन केयर लेबलिंग सिस्टम. नाउ कमिंग टू डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी सिस्टम फर्स्ट दी इंटरनेशनल केयर लेबलिंग सिस्टम इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1963 सिंबल्स यूज्ड इन जेनेटिक्स इसमें सिंबल्स जो यूज होते हैं वो बताता है कि गारमेंट किस प्रोसेस को विदस्टैंड कर सकता है कौन सा प्रोसेस गारमेंट उसको उस पर हम कर सकते हैं. अब फाइव सिंबल्स हैं नंबर इनसाइड दी वॉश टब इसमें वॉश टब्स होते हैं उसमें नंबर होता है तो नंबर इंडिकेट है मैक्सिमम परमिसेबल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन डिग्री सेंटीग्रेड जो लिखा उतना टेम्परेचर वो पर्टिकुलर आप यूज कर सकते हैं वॉशिंग के लिए वाटर का. अ हैंड इन वॉश टब अगर आपके वॉश टब में हैंड है मींस कि आप उसको ओनली हैंड वॉश कर सकते हैं मशीन वॉश नहीं कर सकते. और अगर कहीं वॉश टब के नीचे अंडरलाइन है नंबर अबव द वॉश टब इंडिकेट डिफरेंट वॉशिंग प्रोग्राम्स दे आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिटी यूज वॉशिंग मशीन. तो अगर किसी के ऊपर नंबर दिया है वो डिफरेंट वॉशिंग प्रोग्राम्स है उसको इंडिकेट करता है. देयर बी सम एडिशनल इंडिकेशंस व्हिच आर नॉट फॉलोड एवरीवेयर. अब नेक्स्ट अब मैं आ रही हूँ ट्राइंगल का यूज होता है जिसमें सी एल लिखा होता है वो इंडिकेट करता है कि यू कैन डू क्लोरीन ब्लीच विद दैट. डॉट्स लगे हों 1, 2 और 3 इनसाइड द आयरन वो मैक्सिमम टेम्परेचर को डिनोट करते हैं. लेटर्स ए और इंडिकेट सॉल्वेंट टू बी यूज. अब जैसे पेट्रोलियम सॉल्वेंट आपको यूज करना है कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है. अब सर्कल इनसाइड अ स्क्वायर इंडिकेट्स टंबल ड्राइंग. अब जापानीज केयर इसमें डिफरेंट केयर लेबलिंग सिस्टम्स होते हैं. अगर मैं वॉशिंग इंस्ट्रक्शन सिंबल्स की मैं बात करूं मशीन वॉश विद 95 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस वॉटर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिखा है दैट मींस यू हैव वॉश विद हैंड. ब्लीचिंग सिंबल्स में यू क्लोरीन वहां पे सीधा लिखा होता है अपार्ट फ्रॉम दे आर नॉट यूजिंग एटिकांस ओवर देयर. ठीक है आयनिंग भी सीधे रीडेबल होती है मे बी आयन डायरेक्टली एट 180 टू 210 डिग्री सेंटीग्रेड मे बी आयन डायरेक्टली एट ऐसी इंफॉर्मेशन जापानीज में दी जाती है. ठीक है ड्राई क्लीनिंग के लिए एनी ड्राई क्लीनिंग मतलब आपको साफ साफ रिटन इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में. नेक्स्ट है ब्रिटिश केयर लेबलिंग सिस्टम. द ब्रिटिश सिस्टम वॉश टब जो इंडिकेट करेगा वॉशिंग जैसे हमारा जेनेटिक्स का था ब्रिटिश है ऑलमोस्ट. सर्कल इंडिकेट करता है ड्राई क्लीनिंग स्क्वायर इंडिकेट करता है ड्राइंग क्रोस इम्पोज्ड ऑन दी प्रिडिक्टिव फाइव सिंबल्स वो इंक्रीज करते हैं कि ट्रीटमेंट और कौन सा ट्रीटमेंट कौन सा प्रोसेस आपने यूज करना है.
अब कमिंग टू कैनेडियन के सिस्टम, जो कैनेडियन है ये आपके ट्रैफिक लाइट्स के कलर रेड ऑरेंज एंड ग्रीन वुड भी से वो कलर से यूज करता है. और फाइव सिंबल्स मस्ट बी अपियरिंग. अब जैसे ग्रीन वॉश द मशीन वॉश इन हॉट वाटर, ग्रीन वॉश द मशीन वॉश इन ल्यूक वार्म वाटर, ऑरेंज वॉश द मशीन वॉश इन, आपको ऐसे डिफरेंट कलर्स के वॉश टब आपको दिखे, उसकी पहले इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी. अब ऑरेंज वॉश टब हैंड वॉश इन वाटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर रेड वॉश टब है तो मतलब डू नॉट वॉश. जैसे हम रेड लाइट पे ट्रेवल नहीं करते, सेम वो कलर्स के बेस पे ट्रेवल करता है. बट ये जो सिस्टम था जिसपे आपने ट्रैफिक लाइट के कलर्स इन्होंने लिए थे, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड वाइडली, इट वॉज डिस्कार्डेड लेटर ऑन. नेक्स्ट इज आयनिंग इंस्ट्रक्शंस, वो भी इसकी कलर्स के बेसिस पे ये देता है. कम टू द मोस्ट दैट इज एएसटीएम केयर लेबलिंग सिस्टम. इन द एएसटीएम केयर लेबलिंग सिस्टम देयर आर फाइव बेसिक सिंबल्स, वॉश टब, ट्रायंगल, सर्कल. इन प्रोसेस ऑफ वॉशिंग, ब्लीचिंग, ड्राई क्लीनिंग, आयनिंग, प्रेसिंग एंड ये सारे प्रोसेस इसमें इंडिकेट होते हैं. When evidence can be provided that care procedure is supposed to adversely change the dimension. अगर किसी के ऊपर क्रॉस लगा है, मतलब उसको आपने फॉलो नहीं करना, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन को चेंज कर देगा. नेक्स्ट इज इंडियन केयर लेबलिंग सिस्टम. इंडियन केयर लेबलिंग सिस्टम इंटरनेशनल सर्कल, सर्कल इन साइड स्क्वायर, तो वही ऑल बी शोइंग यू दी सिंबल्स लेटर ऑन. अब लॉन्ड्री सिंबल क्या है? लॉन्ड्री सिंबल सिंबल पिक्टोग्राम की हेल्प से वॉश टब है, वो क्या है? एक पिक्टोग्राम है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपने कैसे वॉश करना है. अगर आयन है तो वो रिप्रेजेंट कर रही है कि लॉन्ड्री सिंबल को लॉन्ड्रिंग सिंबल्स का नाम दे सकते हैं. There are different standard for care labels for different countries. Every country is following different care labeling system. You can see अगर आप बाहर से कोई product purchase कर लाते हैं, I mean out of India, तो उसकी जो care labeling system होती है, वो different होती है. Now, अगर treatment indicated by the symbol is maximum permitted, ये मैं आपको बता था, जो भी आपकी care labeling पे treatment है, maximum, ठीक है? और जेनेटिक स्टेट करता है माइल्डर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड टेम्परेचर, देन दोस इंडिकेटर्स आर ऑलवेज परमिटेड. अगर लिखा है 70 डिग्री पे आपने वॉश करना है, दैट मींस यू कैन आल्सो वॉश बिलो 70 डिग्री. वो मैक्सिमम यू गो 70, ठीक एग्जाम्पल ऑफ सिंबल इंडिकेट्स वॉशिंग इन हॉट वाटर एंड टंबल ड्राइंग, वॉशिंग इन कोल्ड वाटर कैन सिस्टम नॉर्मली मूव कलर वन इन थ्री कलर्स, ग्रीन फॉर गो हेड, येलो फॉर बी कलरफुल एंड रेड टॉप, बट दिस नॉर्थ अमेरिका स्कीम. आई शुड नाउ बी कमिंग टू दिस. In European standard, the wash recommended by indicated by bars. The अगर कहीं बार दिया हुआ है, मतलब उसको आपने अच्छे से स्टीयर आउट करना है, एजिटेट करना है. एबसेंस ऑफ बार इंडिकेट मैक्सिमम लगी, मतलब उसको अच्छे से रख करके धो सकते हैं, जैसे आपकी कॉटन क्लोथ. अगर सिंगल बार लगा है, दैट मीन्स मीडियम एजिटेशन, जैसे सिंथेटिक कपड़े हैं आपके. डबल बार लगा है, मिनिमल, आपने उसको वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब आप उसको ज्यादा रब करते हो. तो बार सिंबल ऑल्सो इंडिकेट द लेवल ऑफ स्पिन रिकमेंडेड फॉर मोर बार इंडिकेटेड लो प्रेफर्ड स्पिन स्पीड. अब ब्लीचिंग की मैं बात करूं, अगर एम्प्टी ट्राइंगल है, अलॉस ब्लीचिंग क्लोरीन और ऑक्सीजन, टू ऑप्लीक लाइन, एक ट्राइंगल में दो लाइन्स अगर ऐसे कट करी गई हो, दैट मीन्स इट ओनली अलाउज ऑक्सीजन एज अ ब्लीचिंग एजेंट. दैट इज हाइड्रोजन परोक्साइड को आप यूज कर सकते हैं, आप क्लोरीन भी को यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट, ड्राई सर्कल स्क्वायर
ड्राइंग, एक सर्कल एक स्क्वायर में है, दैट मीन्स दैट इज सिंबलाइजिंग ड्राइंग. वन डॉट रिक्वायर्स ड्राइंग एट रिड्यूस टेम्परेचर, टू फॉर नॉर्मल टेम्परेचर. आयनिंग की मैं बात करूं, आयन के साथ डॉट्स लगे होते हैं जो आपकी टेम्परेचर रेंज को सिग्निफाई करते हैं. नाउ कमिंग टू से है, दिस इज प्रोफेशनल वेट क्लीनिंग. इफ सर्कल विद डब्ल्यू लगा, ये यूरोपियन सिस्टम है. जेंटल वेट क्लीनिंग, अगर डबल बार है तो वेरी जेंटल वेट क्लीनिंग इसका मतलब है. नाउ हाउ दी बिगनिंग की 1939 इसमें रूल्स की बारे में इंफॉर्मेशन दी जाना बहुत जरूरी हो गया था. 1950 में 51 में फर प्रोडक्ट लेबलिंग एक्ट पास हुआ. देन 1953 में फ्लेमेबल फैब्रिक एक्ट पास हुआ. तो धीरे धीरे करके एवरीबॉडी वांटेड दैट कि जो इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के रिलेटेड, जो केयर लेबलिंग सिस्टम है वो ओरिजिनेट इंफॉर्मेशन एक्ट March 3, 1960 में, जो होता था कि आगे जो केयर लेबलिंग पे है फाइबर जेनेरिक नेम लिखा होना चाहिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी प्रोविंस में वो बना है वो लिखा होना चाहिए. फिर इस फर्दर एक्ट को अमेंडमेंट हुई इसकी 1 February 1981 में, जिसमें बताया कि उसमें फाइबर कंटेंट, कंट्री ऑफ ऑरिजिन और मैन्युफैक्चरर और डीलर, किसने उसको मैन्युफैक्चर करा है, कौन उसका डीलर है, ये सारी प्रॉपर्टीज मेंशन होनी चाहिए. सो दिस इज अ टैग यू कैन सी, इसमें मोस्टली मेंशन होते हैं फाइबर के मतलब उसको एक तो कॉटन या पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर को डैक्रिन भी बोलते हैं, दैट इज जेनरिक नेम. मैं आपको बताऊंगी उसके बाद परसेंटेज ऑफ ईच फाइबर बाय वेट, आपके प्रोडक्ट में कितना फाइबर है बाय वेट. अगर आपको नॉलेज होगा कि आप कॉन्शियस हो जाएंगे उसको वॉश करने से पहले, तो ये इंफॉर्मेशन वॉज थॉट टू बी नेसेसरी. देन वो ऐसे क्वांटिटी है दैट शुड बी मेंशन्ड एट द टॉप फॉलोड बाय द लीस्ट. ट्रेडमार्क शुड बी इंक्लूडेड, जेनरिक नेम मस्ट बी अवेलेबल ऑन द लेबल. अब मैं जेनरिक नेम की बात कर रही हूँ, तो ये है डिफरेंट फाइबर्स जिसको ने दिया है, दैट इज एसीटेट, एक्रायलिक, एनिडेक्स, एरामिड, एज़लोन, ये डिफरेंट. तो डिफरेंट फाइबर्स को जो जेनरिक नेम है ये इस तरह आपके टैग पे इंक्लूडेड होंगे. आप देख सकते हैं कि उस गारमेंट में किस लेवल का कितना कंटेंट का प्रेजेंट है. कुछ फाइबर जो जेनरिक लिस्टेड नहीं है वो ये हैं, एल्जिनेट, कार्बन, क्लोरोफाइबन, क्यूप्रो, इलास्ट्रेन, है जो आपके जेनरिक नेम के अंडर नहीं आते. अब आइटम्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन लेबल, जिसको लेबल नहीं किया जा सकता, नॉन फाइब्रस मटेरियल. नॉन फाइब्रस में आपका ग्लास, प्लास्टिक एंड वुड. एंड आइटम्स दैट आर यूज इन गारमेंट, दे आर नॉट मेड फ्रॉम फैब्रिक, यार्न और फाइबर, बीड्स, बटन, सिक्वेंस एंड जिपर्स. अब अननोन, अगर आपके फाइबर में कोई आपके गारमेंट में कोई अननोन फाइबर आपने यूज किया है जिसके बारे में आपको नहीं, तो एफटीसी दैट द नेम ऑफ अननोन और उसकी परसेंटेज आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है. द फाइबर, आप जिन फाइबर में कोई ऐसा फाइबर यूज किया है जिसकी है उसको मेंशन करना नेसेसरी है. 5% As a significant effect must be. पर अगर उसका significant effect है properties change करने में तो उसको mention करना. What is the disadvantage? अगर आप उसको mislabel कर देते हो, अगर उसमें false information आप डाल देते हो, तो that means you are mislabeling your label. तो 3% जो है आपको, आप लोग नहीं पता, मुझे नहीं पता कि 80% कॉटन था फैब्रिक में या नहीं, तो वो 3% जो टॉलरेंस लिमिट है वो अलाउ होती है. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट दैट इज स्टेट्स दैट इट इज 80% कॉटन बट 70%, तो उसको लिमिट में लिया जा सकता है. बट अगर पर्पसफुली अन उसको मिसलेड करते हैं तो हो जाता है. अगर मैं
ऑर्नामेंटेशन और ट्रिम्स की जो केयर लेबलिंग्स में आते हैं, तो उसका कैसे लिया जाता है? ऑर्नामेंटेशन एंड ओनली मस्ट बी लिस्टेड इफ इट मार्क्स मोर देन 5% ऑफ फाइबर. अगर इनमें 5% से ज्यादा फाइबर है, कंटेंट है, तो इसकी केयर लेबलिंग में इसके बारे में जिक्र होना चाहिए. ठीक है. ट्रिम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्नामेंटेशन एंड मस्ट बी लेबल ओनली इफ कटर 50% ऑफ सरफेस एरिया. अगर 15% ऑफ सरफेस एरिया किसी प्रोडक्ट का ट्रिम है तो उनके बारे में मेंशन होना जरूरी है. अब स्पेशल फाइबर्स, पाइल फाइबर्स दैट आर मेड फ्रॉम डिफरेंट फाइबर मस्ट बी लेबल्ड. अगर वो फाइबर उसको बाई कंस्टिट्यूएंट मिक्स आपने बनाया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है. दिस इज प्रीमियम क्वालिटी कॉटन, जैसे प्यूमा या पीमा जिसको हम बोलते हैं, जो हाई ग्रेड प्रोडक्ट होते हैं, तो उनके बारे में भी मेंशन करना इट इज नेसेसरी. लाइनिंग्स की मैं बात करूं, लाइनिंग, इंटरलाइनिंग, फिलिंग एंड पैडिंग नीड टू बी लिस्टेड इफ दे आर फॉर वॉट. अगर आपने उस पर्टिकुलर थर्मल प्रॉपर्टी के लिए उसको इन्वॉल्व किया है तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन. बट अगर एस्थेटिक लुक के लिए अगर आपने उसका यूज किया है देन इट इज नॉट नेसेसरी. देन कंट्री ऑफ ऑरिजिन, कहाँ पे बना है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म दैट यू सी इन दी केयर लेबल्स. And dealer, the company manufacturer, importer or dealer must be listed as the mask ki upar aapke tags pe kya kya mentioned hota hai. That's why I have included slides also. That is issued to company within the US only which register them with the FTC. RN88148. This is the registration number of the company. बैटिंग्स, फ्लैग्स, कुशंस, ब्लैंकेट्स, बैग्स और हैमॉक्स को भी मेंशन करना है. नाउ प्लेसमेंट ऑफ लेबल, जैसे मैंने बताया वो कहाँ होनी चाहिए, फाइबर कंटेंट ओरिजिनल टेक्सचर में अपीयर ऑन वन लेबल और ऑन डिफरेंट लेबल. आप तीन चार लेबल भी यूज कर सकते हैं या सिंगल लेबल भी यूज. फाइबर कंटेंट एंड मैन्युफैक्चर में अपीयर ऑन द बैक ऑफ लेबल, उसको बैक में डाल सकते हैं. द कंट्री ऑफ ओरिजिन मस्ट बी ऑन द फ्रंट ऑफ लेबल, इधर प्लेस्ड एट द नेक और वेस्ट बैंड ऑफ द गारमेंट. आपका जो केयर लेबल्स हैं वो नेक की बैक पे या वेस्ट बैंड पे लगे हो सकते हैं. फाइबर कंटेंट एंड मैन्युफैक्चरर मस्ट बी अटैच्ड इन इजी रीच, जहाँ पे इजीली लोग दे सकें. प्लेसमेंट अलोंग द नेक, वेस्ट बैंड और साइड सीम, कई बार साइड्स पे भी लगी होती है. तो प्रोडक्ट लेबल आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी परमानेंटली अटैच्ड. ये रूल्स हैं जो IN 1872 में FTC ने बताया है. वो स्पेसिफाई करता है कि क्लोदिंग लेबल मस्ट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट वॉशिंग, ड्राई क्लीनिंग एंड प्रेसिंग. Product can do and do not require care labelings. Clothing worn to cover or protect the body from shoes, gloves and home apparels, जिसमें less than 5% trims का use हुआ है इन पे, I have told you. Now coming to the main important terminology, what is washable? Washable, it must state whether it can be washed by hand or machine. अगर हाथ बना है, that means it is to be washed with. आपको हाथ से उसकी वॉशिंग करनी है. इंक्लूड द वाटर टेम्परेचर एप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्ट. अब ये जो डॉट है ये वाटर टेम्परेचर बता रही है कि आपका प्रोडक्ट किस टेम्परेचर पे वॉश होना चाहिए. अब ASTM स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूंगी जो मोस्टली यूज किए जाते हैं. ASTM स्टैंडर्ड का जो कोड है D548907. इफ ओनली वॉश्ड अप सिंबल इज देयर, दैट washing is there, wash the symbol with one line at below permanent test, wash the symbol with double line at the below delicate or gentle. Up wash the symbol with one dot inside 30 up. Agar dot laga hai usme, that means 30 centigrade aap karna hai. Agar two dots lage hain to 40 degree centigrade pe karna hai. Three dots 50 degree, four and so on. Next, coming to bleach, if the product can handle any type of bleach,
क्लोरीन और ऑक्सीजन ऑन रेगुलर इट डज नॉट बी मेंशन इन लेबल, उसको किसी भी ब्लीच या ब्लीचिंग मेंशन करने की जरूरत नहीं है. इफ क्लोरीन ब्लीच वुड हार्म इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द लेबल. नॉन क्लोरीन ब्लीच आपको दिखा, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट कि क्लोरीन ब्लीच तो नहीं लिखा हुआ वॉश करने से पहले. Then it should be mentioned, do not bleach. कई बार लिखा होता है do not iron, do not bleach. So ऐसी terminology use होती है. Only a triangle symbol, अगर खाली triangle symbol बना है that means any bleach जब आपको जरूरत है आप use सकते हैं. और अगर जैसे कि मैंने इस slide में दिखाया triangle with two diagonal lines अगर ऐसे दिख रहा है that means do not bleach. अब मैं drawing की बात करूँ. If a product is to be dried, it must state whether it should be dried by machine or some other method. The temperature is not required, it would be damaged by high. Ab a circle inside the square, ye drying include karta hai. This is drip drying ka ye bata raha hai. A rectangle with circle inside normal. A rectangle with circle inside and a line below. A rectangle with circle inside and two lines below. आपने जाना है कर्व इनसाइड एट द अपर साइड बोलता है. दिस इज द कर्व इनसाइड एट द अपर, दिस इज यू हैव उसको हैंग करके आपने ड्राई करना है. अ रेक्टेंगल दैट इज डिप ड्राई, ड्रिप करके आपने ड्राई करना है. रेक्टेंगल विद वन हॉरिजॉन्टल लाइन इनसाइड द, मतलब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं दैट मीन्स यू हैव टू लाई द गार्ड सो दैट इट कैन बी. Now come to tumble heat settings. अगर कोई सर्कल है किसी भी टेम्परेचर पे आप हीट दे सकते हैं. A circle with three dots inside, मतलब high temperature, two dots medium, one dot low. और अगर पूरा सर्कल फिल्ड है दैट मीन्स नो हीट नो एयर इज रिक्वायर्ड. Product is to be ironed regularly. It must be labeled. उस पे labeling होनी चाहिए. The temperature of iron is not necessary. Less a high temperature would harm the product. So iron symbol with मतलब 200 degree centigrade तक उसका temperature लेके जा सकते हैं. Iron symbol two dots inside medium 150 centigrade and iron symbol with the one dot inside that is 110 कर सकते हैं. Next is dry cleaning. Dry clean may be placed on the care label with no other instruction. If any dry cleaning solvent can be used without अगर आपने dry cleaning करना है तो आपको खाली dry cleaning लिखने की जरूरत है. मतलब आप कोई भी solvent use करके उसको dry clean कर सकते हैं. अगर if a certain type of solvent may be used that must be labeled. जैसे circle में A आप देख रहे हैं that means इस पर्टिकुलर जो ग्रुप का है वो सॉल्वेंट आपने यूज करना है. इफ गारमेंट कैन बी वॉश विदाउट डैमेज इट मे नॉट से ड्राई क्लीन ओनली. ठीक है, अगर आप उसको वॉश भी कर सकते हैं तो यू उधर यू कैन मेंशन मतलब ड्राई क्लीन ओनली शुड नॉट बी मेंशन्ड ओवर देयर. नेक्स्ट इज सर्कल विद ए एनी ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट कैन बी यूज विदाउट डैमेज टू द गारमेंट. सर्कल विद पी एनी सॉल्वेंट मे बी यूज एक्सेप्ट ट्राइक्लोरो इथाइलीन, इसका यूज नहीं करना है अगर पी है. इफ सर्कल विद एफ देन पेट्रोलियम सॉल्वेंट कैन बी यूज्ड. इफ सर्कल विद क्रॉस नो ड्राई क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज ड्राई क्लीनिंग सर्कल विद डायगोनल स्टॉक. अगर बाहर की तरफ डायगोनल स्टॉक लगा है दैट मीन्स शॉर्ट साइक्लिंग पे आप उसको ड्राई क्लीन कर सकते हैं. अ सर्कल विद डायगोनल स्टॉक एट द अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट में अगर आप देखेंगे दैट मीन्स रिड्यूस्ड मॉइस्चर के साथ आप उसको ड्राई क्लीन करना है. A circle with diagonal stalk at lower right, low heat पे आपने उसको करना है. If circle with diagonal stalk at the upper right, no steam finishing is required. These are the warnings. कई बार आपको warnings भी देखने को मिलती है. Any kind of the care method that would harm a product must be mentioned on the care label. Do not, no, only ऐसे words को highlight करके लिखा होता है so that customer की जो subconsciousness mind है वो उस पे click करे. Any care of the any care to the product that will affect appearance after care must be stated, उसको mention होना चाहिए वहाँ पे. Any care that may cause harm to another product must be included in the label.
दैट इज मेटल आयन नहीं करना, मेटल पार्ट्स को कई बार लिखा होता है जो अगर मेटल पार्ट्स भी उसके ऊपर लगे होते हैं तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लगी होती है. सो दीज आर दी वार्निंग सिंबल्स, डू नॉट स्टीम, डू नॉट ब्लीच, ये देखिएगा, डू नॉट वॉश, डू नॉट ड्राई क्लीन, डू नॉट रिंग, आप उसको स्क्वीज आउट नहीं करना. इन दी शेड एडिड टू लाइन ड्राई और फ्लैट ड्राई, डू नॉट आयन, डू नॉट टम्बल ड्राई. वेट क्लीनिंग, वेट क्लीनिंग एक न्यू मेथड है जो इंट्रोड्यूस हुआ था केयर लेबलिंग में, बट अब आजकल आफ्टर दी केयर लेबलिंग रूल जो रिवाइज हुए हैं 2000 में, इसका यूज होना बंद हो गया. बट ये बताता था अगर आपने क्लीनिंग करनी है तो कौन सा वाटर बेस्ड केमिकल आप यूज कर सकते हैं. नाउ वॉयलेटर्स ऑफ TFPA, जो इसको वॉयलेट करता है उसको उसका काम रोकने के लिए भी कहा जा सकता है, और उसको सम अमाउंट ऑफ मनी विच यू कैन सी दिस हैज बीन अराइज्ड नाउ, ये तो उसको पे करनी पड़ती है. सो इंटरनेशनल क्लोदिंग सिंबल, अगर मैं जापनीज की बात करूँ तो जापनीज क्लोदिंग में ऐसे सिंबल्स होते हैं, यू कैन सी हैंग ड्राई, एक गारमेंट की शेप बनी होगी जो आपको डिपिक्ट करवा रहा है कि यू कैन हैंग इट टू गेट इट ड्राइड. हैंग इन शेड, अगर दो लाइंस आप देखेंगे दैट मीन्स यू हैव टू हैंग शेड. लाई फ्लैट टू ड्राई, अगर ये गारमेंट के साथ, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ सिंबल, दिस इंडिकेट्स यू कैन लाई इट डाउन फ्लैट ताकि वो ड्राई हो जाए. नाउ ले डाउन टू ड्राई इन शेड, अगर आपको ले डाउन करना है शेड में ही करना है, you can add these two, you can, this type of symbol would be there. Hand wring gently, agar aap gently usko squeeze out kar sakte hain to this symbol would be shown over the garment. Do not wring, to cross mark ke sath, that means it is not applicable. Cool iron, one dot ke sath agar iron bani hogi, this is cool iron. Warm iron, two dots aage, this is warm iron. If three dots, हॉट आयन कैन बी यूज. अगर आयन का यूज नहीं होना स्पेशली फॉर वूल गार्मेंट्स तो डू नॉट आयन का ऐसे टैग लगा होगा. मशीन वॉश नॉर्मल, कोई टेम्परेचर नहीं लिखा, आप नॉर्मली किसी भी टेम्परेचर पे मशीन वॉश कर सकते हैं. मशीन वॉश इन कोल्ड, अगर एक नल की पिक्चर लगी है साथ में वाटर टब के साथ, टैप लगा है, देन यू कैन, दिस इज 30 डिग्री. मशीन वॉश एक्सट्रीमली जेंटल साइकिल, नीचे दो अंडरलाइंस है विद द स्पेस, मतलब एक्सट्रीमली जेंटल साइकिल, आपको उसको ज्यादा रबिंग नहीं देनी है. मशीन वॉश डेलिकेट जेंटल साइकिल, सिंगल अंडरलाइन इज देयर एंड 40 डिग्री इज देयर. देन मशीन वॉश नॉर्मल, 60 डिग्री पे आप कर सकते हैं. दिस इज मशीन वॉश नॉर्मल एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर वॉश टब पे क्रॉस लगा है दिस मीन्स डू नॉट वॉश. इफ हैंड इज देयर इन द वॉश टब दैट इज हैंड वॉश ओनली. नाउ हैंड इज देयर एंड क्रॉस इज देयर, डू नॉट हैंड वॉश. नाउ कमिंग टू द ब्लीचिंग, ब्लीचिंग के लिए ट्राइंगल यूज होता है, एवरी शुड कीप इन माइंड. नाउ दिस इज पहले वाला है, यू कैन ब्लीच विद एनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट. Okay, you can use chlorine based or oxygen based, any type can be used. But if it is closed, do not bleach, it would say. If CL is written, that is chlorine based bleaching is to be done. ठीक है, आपको उसको chlorine based bleaching ही करनी है. And if it, this sign is there, do not use chlorine bleach, it indicates. Now dry cleaning, this circle with A indicates dry cleaning. And this also circle with something written like this, like bar. So this indicates dry cleaning should be delicate. Now dry cleaning with perchloroethylene only, then P is written. Dry cleaning with hydrocarbons only, F is written, that is your petroleum products. Do not dry clean, circle with cross should be mentioned over there. Tumble dry, circle inside the square. This is the normal sign you will see. Do not tumble dry, cross laga hoga. Tumble dry at normal temperature. Two dots are there. That means you can tumble dry at the normal temperature. Tumble dry at low temperature, single dot is there. So in the conclusion,
For the customers, care symbol makes sense when they understand and follow the instructions. हमारे लिए care labels पढ़ना क्यों जरूरी है? Until and unless हमें knowledge नहीं होगी, हम उसको कैसे follow करेंगे? If I don't know what is meant by triangle, what is meant by square, what is meant by the circle inside square, how would I know? So knowledge is bit necessary. Even only fashion designing people should not only fashion designing people, everyone should know little bit about the care labels. When they can symbols should provide the same information to everyone without language barriers. There aisa nahi hai ki Hindi mein likha hai, Tamil mein likha hai ya Japanese mein likha hai. You people can understand because it's only pictograms, so you can easily pictures ko dekh ke aap पता है ट्रायंगल है तो मतलब वो ब्लीचिंग को रिप्रेजेंट करेगा, आयन लगी है तो मतलब आयनिंग से कुछ बात हो रही है. सो देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर्स इन दिस. सो लिटिल बिट आपको पिक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए सो दैट यू कैन मेमोराइज एंड यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. यूज ऑफ सिंबल अलाउ फॉर स्मॉलर एंड मोर कंफर्टेबल केयर लेबल्स. स्मॉल लेबल्स ऑल्सो कॉस्टलेस. दिस कुड ट्रांसलेट इन टू कस्टमर सेविंग. The symbols are easy to understand with few basic symbols. For manufacturers, care symbols make even more sense. तो manufacturers के लिए तो obviously sense है ही है. Customers के लिए आजकल जैसे environment हमारा degrade हो रहा है day by day, तो we are much focusing on the concept of 3 R's, that is reduce, recycle and redesign. So we people should try to reuse the product. ताकि उसकी लाइफ साइकिल एक्सटेंड हो जाए और हम टेक्सटाइल की को एज अ डंप ना क्रिएट करें, बजाय कि उसको रीडिजाइनिंग करके भी उसको रीयूज कर सकते हैं अगर हमें केयर लेबल्स की इंफॉर्मेशन होगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर. आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू ऑल्सो. सो शुड आई आस्क? These are the questions. What is true about care labeling? मैम आपका स्क्रीन शेयर चल नहीं रहा है मैम. ओके. नाउ इट्स विजिबल? जी मैम. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू अबाउट द केयर लेबलिंग? Care labeling ये क्या करता है? To assist the consumer in getting information about the clothing. Yes, it is true. Care labeling means it means a permanent label or a tag containing regular information. Care labeling gives the word or in symbol. It's mostly in word or symbol. All are true. Vaishnavi, very good. Because it was the easy one. Textile Care Labeling Association is managed by Janetix, International Association for Textile Care Labeling. You should remember the full form also, Janetix ka, Textile Association for Textile Care Labeling. Okay, so आपको पता होना चाहिए 22 countries इसके member हैं और इसका headquarters Geneva, Switzerland में है. So all of above are true for the care labeling. Next is, what are the different care labeling systems? International Care Labeling System, ASTM Care Labeling System, British, Japanese, Canadian, Indian, yeah, all of these. Yes, Seema, all of these. So, अगर आपको question आता है, only आपने ASTM या Japanese के बारे में सुना है, you should know कौन-कौन से care labeling system है जो use में लिए जाते हैं. Okay, Vaishnavi. Next is, what does this implies? A tub with a hand. अगर आपको एक symbol दिख जाए जिसमें water tub with a hand है, that means, and a tub with a cross. You have to answer the both. Yes, tub with a hand is hand wash, and next one is not machine. It's not correct.
It's do not wash. Now coming to the next slide, it is of everybody knows triangle for bleaching. If a simple triangle is there, then what does it implies? Yes, Shweta, very good. Shivangi, very good. Simple triangle, agar aap dekhte hain, uska kya matlab hai? Any bleach can be used. Bleaches, anybody can tell me kitne type ke bleaches hum use karte hain? I have mentioned out again and again in my presentation. Yes, simple triangle. That is, you can see a simple triangle without anything out over there. There are two types of bleaching that are used mostly. That is chlorine. No, three. Chlorine and non-chlorine. Yes. Yes, Shivangi. So next is, you can see a triangle with diagonal line. What does it implies? Please don't raise your hands. I am looking towards the charts. You people can answer through the charts itself. I am looking over there. Yes, anyone? Do not bleach. Yes. Next is drying. A square, a circle inside a square with cross. Iska kya meaning hai? A circle inside a square with a cross. Do not dry clean. Yes. For this, you can see a slightly curved line on the top of a square. Iska kya meaning hai? Next one. Yes, first one is okay. Do not dry clean. I am asking about the second one. This. I'm waiting for your answer. Line dry. It means line dry. Now next, a square with three lines, parallel lines you can see inside the square. That is drip dry. Next is triangle with a square with a flat line, flat horizontal line. Yes, Shivangi, very good. Last one I am asking now. Square with a horizontal straight line. Yes, very good. Inside dry flat. Very good. So next is, you people must be knowing the symbol is for ironing. If a single dot is there, what is meant by that? Low temperature. Yeah. Blank iron is, you can iron at any temperature, but ironing is mostly done with the dots. Low temperature, two dots for little bit higher and three dots for higher temperature. So that's all for today. I hope you people have understood. Yes, medium, low, medium and higher temperature. That signifies that. And this is very important topic, and one assignment I'm giving you. You people have to just see maximum of your clothing, and you have to tell me in the next session whether you recognize the dry cleaning labels which were mentioned over there and how much you have understood seeing on the labels. If fiber content is there, which was the fiber content?
You can send me the care labels, the pictures of the tags and care labels also. Defining each and everything. At least 5 you should do. You can mail me out. Okay, because this is the very much important ultimate users are, we are the user, we are using the apparels for wearing. And if we don't know how to take care, our garments would, जो आपके अच्छे अच्छे पसंदीदा गारमेंट्स है वो खराब हो जाएंगे एंड दैट यू डोंट वॉन्ट. सो ड्राई क्लीनिंग नॉलेज इज मच नीडेड इन टूडे सिनेरियोस और COVID-19 में तो स्पेशली बिकॉज यू कांट गो टू एनी ड्राई क्लीनर टू गेट अप योर क्लोज ड्राई क्लीन. सो अंटिल एंड अनलेस यू हैव द नॉलेज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर क्लोज नाउ सेल्फ ओनली. सो दैट्स ऑल फॉर टूडे.